मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कूलर का छोटा मॉडल। तो इस मॉडल का प्रॉब्लम है कि ये वर्क नहीं कर रहा है। तो पहले हम सीरियस वायर लगा के इसके पॉइंट चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। तो कैपेसिटर के दो पॉइंट निकल के चेक करिए, मल्टीमीटर से चेक किया तो भी चल। चारों ही पॉइंट वर्क करना चाहिए तभी मोटर चालू है, ऐसे समझ पाता। तो फिर मेन पावर के चेक किए हैं, अब कैपेसिटर के चेक करेंगे। तो ये कैपेसिटर की भी वर्क नहीं कर रहे, इसमें से मतलब एक तो मोटर ये जला वाला है या फिर रिवाइंडिंग फॉल्ट है। फटाफट खोल के देख लेंगे। खराब झाले, तुटले। कभी कभी क्या होता है, रिवायरिंग का प्रॉब्लम जो नॉर्मल प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिशियन के पास जाते हो तो 150 से 200 रुपये पहले पैसे थी काम के। इसलिए अब पहले हम देख लेंगे कि इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। अगर सिर्फ रिवायरिंग का प्रॉब्लम रहेगा तो सब 150 से 200 रुपए बचा सकते हैं, क्योंकि खुद घर पर बना सकते। तो वीडियो तो लंबा हो जाएगा, लेकिन नहीं क्योंकि वीडियो को पॉज करके उसमें कुछ भी मिक्स नहीं करता, इसलिए समय लग सकता है। वो भी आपके सामने ही खोल रहा हूँ, इसमें कोई चेंज नहीं करता। नहीं तो फिर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी और आप देख नहीं पाएंगे। और इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको रिवाइंडिंग करना आ जाए और आपके लिए कोई परेशानी ना हो। हो गया है, अब 3 स्क्रू निकाल दिया मैंने, अब एक ही बच्चा है। तो ये हमारा मोटर जो है ये पूरी तरह निकल चुका है। देखो निकाल लिया। तो रूटर ये अंदर का रूटर रहता है, यहाँ पे बुश है और ये शाफ्ट है। अगर आपको मालूम नहीं है तो कब रिवाइंडिंग के लिए देख सकते हो। ये देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा जला वाला है, तो इसी के ही 150 से 200 रुपए इलेक्ट्रिशियन आपको लेता है। तो आप इसे घर पर ही बना सकते हो। सिर्फ आपको लगने वाला है धागा, थोड़ी सी मैं अच्छी तरह से काट लीजिए, वो भी आराम से। ब्लेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन छह जो डिवाइडिंग है वो कटनी नहीं चाहिए। एक ही चीज का ध्यान रखना है कि वायर कटना नहीं चाहिए और अच्छी तरह से भी हो जाए, आराम से कीजिए। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज सकते हो, ताकि आपके प्रॉब्लम को थोड़ी अच्छी तरीके से बता सकते। देखो कट चुका है, मेन वायर तो कटा हुआ है, ये पूरी तरह से जला है, बर्न हो चुका है। देख रहे हो यहाँ से इसका कॉइल नहीं जला है, तो हो सकता है नहीं तो नहीं बनेगा। कॉइल तो अच्छा दिख रहा है मुझे। अब ये दो ये मेन पावर का कनेक्शन है, दो वायर राउंड करके लेंगे, बाद में दिक्कत ना हो।
फिर अब सेकंड जो है पहले इसी पॉइंट को चेक कर लेंगे। 8 किलो आपको चाहिए सीरियस वायर। सीरियस वायर के बारे में आपको मालूम नहीं है तो आप वो भी जिसका भी वीडियो में डाल सकता हूँ, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि हमें नहीं मालूम है कमेंट बॉक्स में, फिर नहीं वर्क कर रहा तो बाकी की भी वायर निकाल लूंगी। ये मेन है और ये कैपेसिटर के दो वायर थे। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ के एक कैपेसिटर का है और एक मेन वायर, तो सिर्फ तीन ही छेड़े रहते, एक कैपेसिटर का मेन वायर और इसमें से एक मेन। यहाँ पे हमें अब सुई की जरूरत पड़ने वाली ताकि कोई छड़ा ना कटे। आराम से देखो, देख रहे हो अभी यहाँ पे कुछ वायर कटे हैं, दो तीन। इसके दूसरे सिरे भी रहेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लेता हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। ऐसे वैसे जैसे ही दृष्टि पहले वैसे छड़े निकाल के लिए ठीक है। मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, फिर बाद में आपको बताऊंगा आ रही है के बाद। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जो छड़े कटे हुए थे, चार छड़े थे, मतलब चार तारे थी जो मैंने एक कर दिया है। इधर की भी वो चार तारा थी वो भी निकाल के मैंने एक कर दिया है। सितारों को एक जगह पर मैंने यहाँ पे चार तारे एक कर दी और यहाँ पे भी चार तारे एक कर दी है। सब आगे क्या करना है सो मतलब ये चालू हो गया है या नहीं सीरियस पे चेक कर सकते हो। ये मेन वायर है, लाइट का मेन वायर है, पावर लाइट का। वो दो छड़े याद रखने हैं, ए साइड के दो छड़े और ए साइड के मेन के। अब सीरियस पर चेक कर सकते हो, चेक करके लीजिए कि ठीक से हुआ है या नहीं। तो सीरियस वायर का यूज कर रहा हूँ मैं, देख सकते हो स्पार्किंग हो रहा है, मतलब ये चालू हो चुका है एकदम। ओके बॉडी आर देखेगा नहीं है, ओके है। अब जैसे तो जैसे वायर तुमने निकाले थे वैसे लगा सकते हो। वही जो कटे वाले पॉइंट है यहाँ पे आप शोल्डर भी मतलब चिकट टेप से भी अच्छी तरह से वो चिकट टेप लगा कर भी अच्छी तरह से कर सकते हो।
का टेप लगा है। ताकि ये शॉर्ट ना हो जाए लगा लीजिए। अच्छी तरह से बांध के लेना है ताकि ये निखर ना जाए। स्लीव है तो स्लीव यूज कीजिए, अगर स्लीव नहीं है तो अब इसे चिकट टेप से भी बना सकते हैं। कैपेसिटर का पॉइंट है अब अच्छी तरह से धागे से बांध देना है जैसे पहले बांधा हुआ था वैसे ही ताकि ये निकले नहीं। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि इसे अच्छी तरह से बांध के लेना है। अब बेटा की तुम आप चेक कर सकते हो कि पूरी हमारी रिवाइंडिंग हो चुकी है या नहीं, लेकिन इससे पहले सीरियस वायर से चेक करो कि ये अच्छी तरह से ठीक हुआ है या नहीं। कोई काम कर रहा है, पार्किंग हो रहा है। अच्छी तरह से इसे लगा के लो जैसे निकाले थे वैसे ही। फिलहाल चलते का बुगु दिया बलून पंखा। फिलहाल चलते का बुगु दिया।
अच्छी तरह से बिठा लो। इसलिए स्पीड में कर रहा हूँ कि ताकि वीडियो लंबी ना हो, लेकिन इस काम के लिए थोड़ा सा वक्त लगता ही है क्योंकि ये इतना आसानी से नहीं होने वाला। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जैसा था वैसा पैक करके लिया है मैंने मोटर को, देखो ठीक है। अब इसमें से आए हैं तीन वायर, जो जो है पहला वायर है वो रेड कलर का जो जो मेन का है, और दूसरी जो है एक है कैपेसिटर की। कैपेसिटर के दो पॉइंट्स को दो पॉइंट्स लगाने हैं, ठीक है। अब मेन कनेक्शन चालू करने से पहले सीरियस में देख लीजिए कि ओके है या नहीं। तो मैंने सीरियस वायर, ठीक है, मेन वायर के पॉइंट को लगा लिया है। अब कैपेसिटर के इस पॉइंट को लगाया, देखो तो मोटर पे चालू हो चुका है, मोटर घूम रहा है इस तरफ से, मतलब अगर हवा उल्टा घूम रहा है तो इस पॉइंट को टच कीजिए ताकि मोटर इस तरह से घूमे। यहाँ लगाया तो इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह। किसी भी प्रकार से तुम इसे यूज कर सकते हो। और फिर लो अगर फैन पीछे की तरफ हवा जा रही है तो आगे हवा नहीं लग रही है, तभी वायर तुम सिर्फ कैपेसिटर का ही चेंज करना है, मेन वायर जैसा है वैसा ही लगा के रखना है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ इसमें ही एक वायर इधर का उधर करना पड़ता है ताकि पूरी तरह से तुम्हारे सामने ही हवा आ जाए, आगे ही आ जाए, पीछे नहीं, ठीक है। चलो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छे लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरह से नए नए वीडियो लाता रहूँगा। बाय।